मैं कभी अपने परिवार की बेइज्जती नहीं करवा सकता, वो तुम्हारी बेइज्जती करवा देगा। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है गेट, गेट के बाद आपको नाउन या फिर प्रोनाउन यूज़ कर देनी है, इसके बाद आपको लास्ट में यूज़ कर देनी है इंसल्टेड। मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो आप गेट देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं कभी अपने परिवार की बेइज्जती नहीं करवा सकता। आई कैन नेवर गेट माई फैमिली इंसल्टेड। आई कैन नेवर गेट माई फैमिली इंसल्टेड। वो हमारी बेइज्जती करवा रही है। शी इज गेटिंग अस इंसल्टेड। शी इज गेटिंग अस इंसल्टेड। वो हमेशा अपने दोस्तों की बेइज्जती करवाता है। ही ऑलवेज गेट्स हिज फ्रेंड्स इंसल्टेड। ही ऑलवेज गेट्स हिज फ्रेंड्स इंसल्टेड। उसने कभी हमारी बेइज्जती नहीं करवाई। शी नेवर गॉट अस इंसल्टेड। शी नेवर गॉट अस इंसल्टेड। वो क्यों दूसरों की बेइज्जती करवाता है। Why does he get others insulted? Why does he get others insulted? वो तुम्हारी बेइज्जती करवा देगा। He will get you insulted. He will get you insulted. क्या वो तुम्हारी बेइज्जती करवाता है? Does he get you insulted? Does he get you insulted? तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। You got me insulted in front of everyone. Or you can say, you got me insulted before everyone. You got me insulted in front of everyone. Or you can say, you got me insulted before everyone. क्या तुम उसकी बेइज्जती करवा रहे थे? Were you getting him insulted? Were you getting him insulted? क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? Why do you want to get yourself insulted? Why do you want to get yourself insulted?